अरे 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 मेरे होने वाले बच्चों की अम्मा, इतना काम मत करो, थोड़ा आराम भी कर लो। बच्चों की नहीं, बच्चे की। अरे ऐसे कैसे, पहले एक होगा, एक के बाद दूसरा होगा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, अब इन सबको बच्चे ही तो कहेंगे ना। और फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट तक आपकी शिकायत पहुंच जाएगी। अब शिकायत कोई और करे ना करे, लेकिन आप जरूर करेंगे। इस घर के सभी लोगों से लेके समाज की, समाज से लेके देश की भलाई की चिंता तो मेरी जिनको ही है। चिंता तो इस वक्त भी है अविनाश। क्या हुआ, किस बात की चिंता है? मालिनी अजय की प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करने से इनकार कर रही है। तो समझाओ उसे कि कर ले। समझाया तो और वो समझ भी गई है, लेकिन वो चाहती है कि... क्या क्या चाहती है अविनाश? वो चाहती है कि कंपनी संभालने में आप उसकी मदद करें। नहीं रिमझिम, मैं अजय की कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकता। लेकिन क्यों अविनाश? वो इसलिए कि इस समय मुझे सिर्फ एक ही काम पता है, वो है तुम्हारी देखभाल करना, तुम्हारी सेवा करना, बस। लोग आपको बीवी का गुलाम कहेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहेगा। नहीं अविनाश, सीरियसली सोचिए, अगर मालिनी ने अजय की प्रॉपर्टी एक्सेप्ट नहीं की, वो कब तक दूसरों के सहारे रहेगी? इस घर में हमेशा उसे प्यार और सम्मान मिलेगा, लेकिन उसे भी तो अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए ना। उसकी उम्र ही क्या है अभी, और फिर मदद के लिए वो आपके अलावा और किससे उम्मीद कर सकती है? हमें लगता है आपको उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, मैं इस बारे में बाबूजी से बात करूंगा। बिल्कुल, बाबूजी से तो सलाह लेनी ही चाहिए, वो बिल्कुल सही सलाह देंगे। हाँ जानता हूँ, बाबूजी की सलाह ले भी लूंगा, बाबूजी अच्छी सलाह दे भी देंगे, लेकिन मेरी भी एक छोटी सी शर्त है बस। क्या? मानोगी ना? बोलिए तो। तुम बच्चों की अम्मा बनो। आप देखो, सोच लो रिमझिम। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी। महाराज जी। हाँ। खाना बनाने की तैयारी हो रही है। हाँ भैया, वो तो हमारा काम है। क्या बना रहे हो? भिंडी तरकारी। तरई क्यों नहीं? अरे भैया, भिंडी बनाए तुरई बनाए तो उसे मतलब। हाँ वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, दोनों का रंग हरा ही तो है। आप इसमें प्याज भी डालेंगे? हाँ डालेंगे, कौन तकलीफ है तो के? नहीं प्याज क्यों, आलू क्यों नहीं? अरे भैया, प्याज का स्वाद अलग होते हैं, आलू का स्वाद अलग होते हैं। लेकिन दोनों तो जमीन के नीचे से उगते हैं, फिर ये स्वाद में फर्क क्यों? हम इंसान हैं दोनों। हाँ फिर भी हमारे अकल में फर्क है, शक्ल में भी है। हाँ? नहीं मैं कह रहा था, आप भी यूपी वाले, मैं भी यूपी वाला। हाँ। फिर हमारी दोनों की अकल और शक्ल में फर्क क्यों? सुनो, फूट लो यहाँ से, हमारे भेजा मत खाओ। चलो फूटो। भेजा क्यों, खाना क्यों नहीं बताए? हाँ 3 दिन तक तो फिर खाना नहीं देंगे, इस बात पे भूखा रखेंगे। चलो फूटो। लेकिन खाली पेट रहने के क्या फायदे हैं और भरपेट खाना खाने के क्या फायदे हैं? ये क्या है महाराज जी? अरे बंद गोभी है। अच्छा फुटबॉल क्यों नहीं? तेरी तो मैं चेक कर। ये क्या तरीका है, मेडिसिन खाते वक्त इतने नखरे, कड़वी है मीठी नहीं है, खाना खाने के टाइम पे इतने नखरे, टेस्टी नहीं है फीका है। अरे यही सब करना था तो बीमारी क्यों पड़े, हॉस्पिटल में क्यों भर्ती हुए, किसी 5-star होटल में जाकर रह लेते? आप लोग यहाँ दवाई नहीं खाते, डांट जूली सिस्टर को पड़ती है। इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? अरे जूली मुस्कुराने दो ना। वैसे आपको याद है आप आखिरी बार कब मुस्कुराए थे? दिन रात इन लोगों के साथ रहते रहते मैं तो मुस्कुराना ही भूल गई हूँ। और आप भी बताएं, डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज होती है? कितने सारे लोग आते हैं यहाँ पर, दिमाग खराब हो जाता है सबके साथ डील करते करते। हमारे पास एक नुस्खा है, हम बताए। आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट और दिलों में इनके लिए प्यार भर लीजिए, फिर ना ही आपको गुस्सा आएगा और ना ही आपका दिमाग खराब होगा, सचमुच। अच्छा दीजिए दवाई, दीजिए। चाची खा लो ना दवाई, क्यों इनकी डांट खाती हो, कम से कम दवाई खाकर ठीक तो हो जाओगी, राइट राइट। लीजिए, क्या बात है, ले खा। चलिए बैठो।
क्या बात है, अजय के लिए आए हो? हाँ, अनुराग से कहा तो था, पता नहीं कहाँ रह गया। नहीं, मैं अनुराग की बात नहीं कर रही हूँ, मेरा मतलब आपके परिवार वालों से है। आपके पति नहीं आए आपके साथ? एक्चुअली हमने घर में किसी को बताया नहीं है। What? सिमरन जी, बहुत वक्त बाद हमारे घर में खुशियां लौटी। हम अपनी बीमारी के बारे में बताकर उनको परेशान नहीं करना चाहते। That's strange. परिवार के साथ तो दुख और सुख दोनों बांटे जाते हैं, और रिमझिम इस वक्त में अगर परिवार वालों का साथ हो तो मुश्किल और भी आसान हो जाएगी। परिवार का साथ तो चाहिए सिमरन जी, लेकिन हम उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। अपनी बीमारी के बारे में बताकर उनकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। हम सामना नहीं कर पाएंगे उनका। हमारे बाबूजी को पता चल गया, हम सामना नहीं कर पाते उनका, बहुत तकलीफ होती है। उन्हें देखकर बहुत दुखी है अंदर से। जूली अंदर आना प्लीज। आप जूली को क्यों बुला रही हैं? आपको टेस्ट के लिए ले जाने? नहीं नहीं, हम जूली के साथ नहीं जाएंगे। क्यों? वो स्माइल तक नहीं करती है। यस डॉक्टर। जूली, इन्हें टेस्ट के लिए ले जाइए प्लीज। ओके। और प्लीज स्माइल। जाइए। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर सिमरन, मैं डॉक्टर अनुराग बोल रहा हूँ। हाय अनुराग। रिमझिम आ गई क्या? या, टेस्ट के लिए गई है। ओके, कुछ उम्मीद नजर आ रही है? कुछ कह नहीं सकते, रिपोर्ट्स आएंगी तो ही पता चलेगा ना अनुराग। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके डॉक्टर, मैं आपको फिर बाद में फोन करता हूँ। बाय। थैंक्स। अच्छा, तिरुपति जा रहे हैं आप, तो मेरी तरफ से भी प्रार्थना जरूर कीजिएगा, और मेरी मेरी बहू की तरफ से भी। जी हाँ, प्रसाद लाइएगा और बालाजी की एक तस्वीर लेते आइएगा। मेरा तो जाना हो ना हो कुछ कह नहीं सकते, बस यहीं उनके सामने प्रार्थना कर लिया करूँगा। ओके। किससे शिकायत करूं? कौन से देवी देवता के आगे जाके गिड़गिड़ाऊं कि मेरी मेरी रिमझिम को लंबी उम्र दो भगवान। बाबूजी, बाबूजी आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। बाबूजी, मालिनी के पति की वसीयत के मुताबिक सारी जायदाद और कंपनीज मालिनी के नाम हो गई हैं, और मालिनी को कंपनी चलाने में कोई तजुर्बा है ही नहीं। अब अगर मालिनी कंपनीज एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है बाबूजी, तो सारी की सारी जायदाद और कंपनीज एक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम हो जाएंगे। तो बाबूजी, मालिनी ऐसा चाह रही थी कि अगर मैं कंपनी चलाने में उसकी मदद करूं तो। देखो बेटा, तुम मालिनी की मदद करो, मैं इसके खिलाफ नहीं, लेकिन इस वक्त तुम उसकी मदद करो, मैं इसके खिलाफ हूं। अविनाश, इस वक्त रिमझिम को तुम्हारी जरूरत है बेटा, बहुत जरूरत है। जब तक वो
अपने बच्चे को जन्म नहीं दे लेती। तुम्हें हमेशा उसके साथ रहना है, हर पल उसे तुम्हारे साथ की, तुम्हारे प्यार की बहुत जरूरत है बेटा। हर वक्त उसकी परवाह करो, उसकी छोटी से छोटी इच्छा को पूरा करो। बेटा तुम तो जानते हो कि रिमझिम को हमारी हमारे घर की कितनी फिक्र रहती। तो ये वक्त आ गया है बेटा कि अब हमें उसकी फिक्र करनी है। तुम और कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, चाहे माननी हो या उसकी कंपनी। ठीक है बाबूजी, ठीक है, नहीं करूंगा माननी की बात। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप प्रेमचिम की प्रेगनेंसी को लेकर थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है बाबूजी, हम डॉक्टर से अक्सर मिलते रहते हैं, डॉक्टर ने कहा सब कुछ बिल्कुल ठीक है, शी इज परफेक्टली नॉर्मल। हाँ शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। चलता हूँ बाबूजी। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या बात है मालिनी, बताओ। अजय के लॉयर का फोन आया था, वो अजय की कंपनी और प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा था। लेकिन अगर अविनाश मेरी मदद नहीं करना चाहता तो मैं लॉयर से कह दूंगी कि मैं अजय की प्रॉपर्टी और उसकी कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सब कुछ अगर ट्रस्ट के पास जाता है तो चला जाए, वैसे भी मैं अकेली कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं क्या कह सकता हूँ रिमझिम, मैंने बाबूजी से बात की, उन्होंने साफ मना कर दिया। बाबूजी ने मना कर दिया? तुम चलो हमारे साथ। रिमझिम, रिमझिम, अरे सुनो तो सही। बाबूजी, एक बात बताइए, मालिनी इस घर में सिर्फ एक मेहमान है या इस परिवार का हिस्सा है? परिवार का हिस्सा है। तो फिर क्या इस परिवार का फर्ज नहीं बनता इसके भविष्य के बारे में सोचें? बिल्कुल बनता है। बाबूजी, अगर अजय की कंपनी मालिनी के हाथ से निकल गई तो इसके पास क्या बचेगा? नहीं मतलब इस घर में से कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन अगर हमें मौका मिले कि हम खुद के पैरों पर खड़े रहें तो क्या हमें वो मौका छोड़ देना चाहिए? नहीं। तो ये बात अविनाश क्यों नहीं समझते? अविनाश आप क्यों नहीं समझ रहे? रिमझिम, मैं बाबूजी से इस बारे में पहले बात कर चुका हूँ। आपने अपने हिसाब से बात की और बाबूजी ने आपके हिसाब से जवाब दिया, अब हम बात कर रहे हैं ना बाबूजी, बताइए। देखो रिमझिम, मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि अजय के काम को लेकर अविनाश मालिनी की मदद करे, लेकिन बेटा मैं चाहता हूं कि जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती अविनाश तुम्हारा ख्याल रखे। बाबूजी, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। मतलब था बाबूजी के वकील साहब ने सिर्फ एक, अविनाश अगर मालिनी की मदद करता है तो तुझे खुशी मिलेगी। जी बाबूजी। जा
अविनाश मालिनी की मदद करेगा। की वजह जान सकते हैं? वजह? वजह बताइए। कुछ नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं। हम जानते हैं आप अपनी परेशानी हमें बताकर हमें परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन हम तो आपकी परेशानी जानते हैं क्योंकि आप हमसे कुछ नहीं छुपा सकते। आप जयंती दीदी को लेकर परेशान हैं। आप ये सोच रहे हैं घर में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, बस जयंती दीदी की प्रॉब्लम का कुछ नहीं हो रहा। हमने आपको कहा है ना बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता क्यों करते हैं? क्यों है तू ऐसे? सबकी चिंता रहती है तुझे, अपनी बिल्कुल नहीं। अरे पगली, अपनी चिंता कर, अपने आने वाले बच्चे की चिंता कर। इसकी उसकी सबकी चिंता में डूबी रहती है। बस नहीं, बस अब तू अपने सुख अपनी खुशी के बारे में सोच। आप जानते हैं ना बाबूजी, हमारी खुशी तो इस परिवार की खुशी में। सबको खुश देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक आप हमें आराम करने के लिए नहीं कहेंगे। भगवान करे कि तू 1,00,000 बरस जिए। वाह, क्या आशीर्वाद मिला है, ये हुई ना बात। वाह 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 वाह। क्या आशीर्वाद दिया है, क्या फायदा है इस आशीर्वाद का। खुद मर रही है और इस घर में, इस घर के हर सदस्य के जीवन में सांसें फूल रही है।